नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं यहाँ इंडिया एग्ज़ाम सेंटर में। अभी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, अभी हम स्टूडेंट से इंटरेक्शन करेंगे। आइए, इंडिया का जो एग्ज़ाम है ये किस लेवल की मैथ आते हैं इसमें? मॉडरेट आती है, मतलब मीडियम टाइप की, इतनी हाई लेवल की नहीं आती। सही है। हाँ भैया, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम राहुल है और मैं सापला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आज का मैथ एग्ज़ाम आपका कैसा रहा? मैथ एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा रहा। आपने कोचिंग लिए थे या सेल्फ स्टडी से किए थे? सेल्फ स्टडी करता था सर, मैं घर पे ही। अच्छा, तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? लगभग 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने, 120 में से। अच्छा, मैथ में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने मार्क्स होते हैं उसमें? 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। आपको क्या लगता है, इस बार आपका क्लियर हो जाएगा? अगला पेपर बताएगा वो, तो नेक्स्ट पेपर अभी बाकी है। पेपर भी है ना, उस हिसाब से पता चले। आपने कहाँ से आए थे एग्जाम देने के लिए? गाज़ियाबाद से आए थे। तो आपका ये कौन सी अटेम्प्ट है? फर्स्ट। अच्छा, एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्जाम डिसेंट था। अच्छा, इस बार मैथ में प्रीवियस ईयर से कोई क्वेश्चन आया है? 11th के थे काफ़ी सारे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन दोनों। किस लेवल की क्वेश्चन आते हैं मैथ में? डिसेंट लेवल होता है, मतलब बोर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा, और जेई मेंस का जो लेवल है उससे हल्का सा कम रहता है। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए थे एग्जाम देने के लिए? मेरा नाम संजीव है, मैं मोहन गार्डन से आया था। अच्छा, उत्तम नगर से। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपने सेल्फ से किए थे प्रिपरेशन या कोचिंग लिए थे? अरे मैं प्रिपरेशन ही नहीं कर पाया, मैं 12th की तैयारी कर रहा हूँ बोर्ड की, तो मैंने प्रिपरेशन ही नहीं किया था। अच्छा, आपने प्रिपरेशन ही नहीं किया था, ऐसे ही मतलब एग्ज़ाम दे दिया है ना? हाँ, मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, ऐसे एग्ज़ाम दे दिया। और बाकी किस लेवल की मैथ आए थे? मैथ तो मीडियम था, मीडियम लेवल का था, ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। अच्छा, कोई भी सेल्फ स्टडी से आसानी से मार्क्स ला सकते हैं? हाँ हाँ, जो अगर एनडीए के लिए सेल्फ स्टडी कर रहा हो आराम से, इसमें से मतलब 300 मार्क्स पेपर था ना, आराम से 200 तक नहीं ला पाएगा, लेकिन 120 से ऊपर लेगा आराम से अगर सेल्फ स्टडी करके लाएगा। तो आज का पेपर आपका कैसा रहा? मॉडरेट था पेपर, नॉट वेरी इजी। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? ये ध्यान नहीं दिया, टाइम एक्चुअली कम था तो करता गया मैं। टाइम मैनेज हुआ था आपका? जी, टाइम मैनेज हुआ था, टाइम कवर हुआ था। यस मेरी प्रैक्टिस थी तो कर लिया था मैंने। आपने कोचिंग लिया थी या सेल्फ स्टडी से? कोचिंग ली थी। कहाँ लिए थे कोचिंग? दिल्ली कैवेलियर। करियर व्हील पे लिए थे? ऑनलाइन में? ऑफलाइन बैच में लिए थे। तो आप मुखर्जी नगर में ही रहते हो? राजौरी गार्डन कैवेलियर। भैया, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई एम हृदय शर्मा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो भैया, आपका इस एयरफोर्स लाइन में आने का सपना कब से है? बचपन से है या आपका सपना ये फादर के तरफ से है? नहीं, मेरा बचपन से ही है आर्मी में जाने का सपना। तो मतलब जी, तो आप किससे इंस्पायर हुए थे? किससे इंस्पायर हुआ था? मेरे अंकल हैं, उनसे इंस्पायर हुआ था मैं। आपका अंकल भी एयरफोर्स में है क्या? आपका अंकल भी एयरफोर्स में? नहीं, वो आर्मी में कमांडेंट है सीमा सशक्त बल में। अच्छा, तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। सेल्फ से किए थे आपने प्रिपरेशन या कोचिंग लिए थे? मैंने कोचिंग ली थी। कोचिंग लिए थे, तो आपका प्रिपरेशन अच्छी हुई थी इस बार? हाँ, काफ़ी अच्छी रही थी। तो इस बार क्रैक कर जाओगे आप? लग तो रहा है, पूरी उम्मीद है। राइट, कोई भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से मैथ में मार्क्स ला सकते हैं? हाँ, ला ही सकते हैं अगर अच्छे से करे वो सेल्फ स्टडी, तो लेके आ सकता है। बाकी अगर कोचिंग ले तो बेटर था। से जो भी न्यू एक्सपीरियंस इस लाइन में आना चाहते हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं ज़रूर बोलूँगा कि उनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अलग ज़िंदगी होती है बाकी सबसे। हाँ, तो उन्हें इसके लिए कुछ करने को मिलता है। हाँ, तो और उनको एक बाहर मतलब अच्छा लगता है, वहाँ पे सराउंडिंग्स बहुत अच्छी होती है और लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए सबको ये। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका इस बार ही निकाल रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमने एनडीए एग्ज़ाम के जितने भी एक्सपीरियंस थे, ऑलमोस्ट सारे एक्सपीरियंस हमने इंटरव्यू लिए हैं और रिव्यू भी लिए हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल।